आपका स्वागत है अपने चैनल पे। बहुत दिनों बाद नए नए वीडियो के साथ, अपने नए लुक के साथ। एक तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने ना अभी फ्लिपकार्ट से कुछ दिन पहले इंडिकेटर मंगाए थे, दो मतलब पैर मंगाए थे। एक तो आगे का फेयरिंग इंडिकेटर पुणे को था, तब गाड़ी गिर गई थी तो वो एक साइड से इंडिकेटर टूट गया था। एक साइड का तो ख़त्म ही हो गया, मतलब गुम हो गया, गिर के साइड का ऐसा टेढ़ा हो गया है। तो मैंने अभी फ्लिपकार्ट से नए मंगाए थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। और चलो आगे मिलते हैं, दिखाता हूँ आपको अपने इंडिकेटर का अनबॉक्सिंग करके। तो गाइज ऐसा कुछ पार्सल है, वो ओपन बॉक्स डिलीवरी रहती है, इसकी वजह से ऑलरेडी चेक क्या बोलते हैं ओपनड है। मैं बाहर गया था, मैं अलीबाग गया था, तो तब तक मम्मी ने पिक कर लिया पार्सल। इससे नहीं दिखेगा आपको, खुल के दिखाना पड़ेगा। ये शायद उन्होंने खोला ओपन, मतलब क्या बोलते हैं पूरा प्रोडक्ट का फोटो निकालना रहता है, इसकी वजह से पूरा खोलने के लिए। देखो यहाँ पे स्टेपल दिख रहा है, स्टेपलर का। तो ये देखो यहाँ पे 599 दिखा रहा है MRP। शॉप पे जाके खरीदेंगे तो शायद तक MRP पे सेल कर देंगे 599, पर मैंने ऑनलाइन मंगाया तो मेरे को 280 को पड़ा। अब देखते हैं प्रोडक्ट कौन सा है। प्रोडक्ट मतलब फेयरिंग इंडिकेटर रहता है, मैं आपको इधर फोटो दिखा दूंगा कैसा है। तो ऐसा कुछ है और अभी देखते हैं कैसा है प्रोडक्ट। ये आया है, इसको क्या बोलते पता नहीं, और दो नट आए हैं। ऐसा कैसा इंडिकेटर है, मैंने अलग ऑर्डर किया था, ये आया कुछ और। अच्छा ठीक है, देख लेंगे अपन चेक करके। ये है इंडिकेटर का, इसको शायद तक टर्टल शेल ऐसे कुछ तो बोलते हैं इंडिकेटर को नाम है। और ये जो है ये वाटर रेजिस्टेंट ये रहेगा कवर, और ये ऐसा कुछ है। ये नट बहुत बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा कैसे फेयरिंग में हो जाए। ठीक है देखते आगे जाके। ऐसा कुछ है इंडिकेटर, देखो ये मैंने इसके लिए पे किए थे 290 कुछ। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा वहाँ पे सब कुछ, और अपन स्टोर पे जाके लेंगे कहीं पे तो 599 पे पड़ेगा। तो ऐसा कुछ है। तो चलिए अपन आगे जाते हैं, गैरेज में जाते हैं क्योंकि इक्विपमेंट्स नहीं है। क्या बोलते वो पाना वगैरह वो अपने पास फिलहाल अवेलेबल नहीं। पापा ने कहा रहता है पता नहीं, पापा भी जॉब को है, तो अभी जाते हैं गैरेज पे और चेक करते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने सोचा था वैसे ही हो गया, ये बोल्ट बड़ा है लेंथ में तो उसकी वजह से फेयरिंग में फिट भी नहीं हो रहा। तो हम फिर से अपना पुराना इंडिकेटर फिट करते हैं।
तो गाइस जस्ट घर पे आए अभी हम लोग, तो ये तो कुछ फिट हुआ नहीं, अपने तो वीडियो में देखा ही रहेगा। तो रुको मैं पहले शूज़ वगैरह निकाल लेता हूँ, हेलमेट निकालता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। गाइस तो अभी हम आ गए घर पे और आपने भी देखा रहेगा वीडियो में जैसे कि ये कुछ फिटिंग हुआ नहीं है ढंग से, क्योंकि वो क्या बोलते फेयरिंग उसका जो नट रहता है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको खोल के, मेरे को डाउटफुल था ही वो, इतना बड़ा नट देख के मैं सोच में था ये इतना बड़ा नट है, आधी उंगली जितना नट है, इतना बड़ा नट। और उधर देखा मैंने इतना इतना चाहिए था, बस इतना नट चाहिए था, क्योंकि तब फिर फेयरिंग में बैठ जाएगा, तो ये कुछ ज़्यादा ही था। तो अभी तो हुआ नहीं, तो मैं अभी कल पुणे को निकल जाऊँगा, तो मैं क्या करता हूँ अभी ये रिफ़ंड करता हूँ। तो गाइज हमने ऑर्डर रिफ़ंड कर दिए, वो ऑर्डर अभी 11 तारीख के आसपास पिक हो जाएगा। मैं तो पुणे चला जाऊँगा, मम्मी को बोल के रखा है, तो वो लोग आएंगे उनको ऑर्डर बस हैंड ओवर कर देना, फिर उसके बाद रिफ़ंड प्रोसेस भी चालू हो जाएगा। फिर मैंने साइड बाय साइड एक और भी ऑर्डर करके रखा है, मतलब ज़्यादा टाइम ऐसे गाड़ी को नहीं देख सकता मैं, ऐसे एक इंडिकेटर से मैं ज़्यादा गाड़ी नहीं चला पाऊँगा, और डायरेक्शन भी इंडिकेट करना रहता है, और कई राइड बीट प्लान हो गया अचानक तो कैसे ख़राब दिखते हैं, वो आपको भी पता चल जाएगा। तो अभी मैंने रिप्लेस कर दिया है, रिफ़ंड कर दिया है, तो दूसरा आ जाएगा तब हम वीडियो बनाएंगे ज़रूर, तब मैं पुणे का रहूँगा शायद तक, तो देखते क्या करेंगे, और मैं शायद तक अब देखना पड़ेगा क्या कर सकते, आपको कुछ पता रहेगा तो कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्दी वीडियो बनाते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।